इसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो प्लस सिक्स आ जाएगा। अच्छा, ये है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल में होती भी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। ये एक मन का वहम है, बस निकालने का जुगाड़ है, तरीका है इक्वेशंस को देखने का, अंडरस्टैंड करने का। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्या होता है कि एक्चुअल में प्लस चार्ज माइनस चार्ज जो होता है, क्या वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में होता है? होता ही नहीं है। तो किस में होता है? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आयनिक कंपाउंड्स में होता है, जैसे Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ पर जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट। कैसे बने? शेयरिंग से। तो यहाँ पर शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। तो क्या पूरा का पूरा प्लस चार्ज सल्फर पे एक्चुअल में होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा देखते हैं। इस ऑक्सीजन की वजह से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर बात करी थी, याद करिएगा। और नहीं पता है तो बता देता हूँ कि सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के नीचे आता है, तो सल्फर कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्यों है? क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है, न्यूक्लियस छुप गया है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के अंदर, इसलिए कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, यहाँ पर से भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर से भी पार्शियल पॉजिटिव। कितने बॉन्ड्स हैं? छः बॉन्ड्स। अगर छः बॉन्ड्स से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, वही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जब ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखा जाता है तो बस पार्शियल नहीं लिखा जाता है, पूरा का पूरा लिखा जाता है नंबर। तो यहाँ कितने नंबर आ रहे हैं? छः बॉन्ड हैं, छः जगह से खींचेंगे सिक्स। क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। किसके ऊपर? सल्फर के ऊपर। इस तरीके से सोचा जाएगा, ऐसे अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप करो, ठीक है। इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होल नंबर में लिखा जाता है, बट क्या एक्चुअल में इसके ऊपर कोई प्लस सिक्स का चार्ज होता है सल्फर पे? नहीं, ये आयन थोड़ी है, ये तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है बेचारा, जो दूसरे कोवेलेंट के साथ शेयरिंग कर रहा था, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव था, इसके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसकी तरफ खिसक के इधर चले गए। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आ गया, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव आ गया, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव, इससे पार्शियल नेगेटिव। बट जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है तो होल नंबर लिखा जाता है। ये सब पार्शियल वार्शियल फालतू बातें हैं, नहीं लिखते हम लोग, हम लोग लिखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या है इसका? प्लस सिक्स। तो यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो प्लस सिक्स होती है, ठीक। अब किसी चीज़ से अगर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, जैसे कार्बन है, कार्बन से अगर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो हम लोग बोल देते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। तो कितने पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होंगे? चार बॉन्ड्स होंगे, तो चार डेवलप होंगे। ऐसे ये बहुत ही मतलब बकवास सी स्टडी है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। हायर लेवल पे जाओगे तुम कहोगे यार क्या पढ़ते थे हम लोग, लेकिन अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर यहीं से आने और आसान है समझने में। तो चार डेवलप होंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी प्लस फोर, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर हम सी एच फोर की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से, या टेट्राहेड्रल शेप बनाया हमने उल्टा, ऐसे था उल्टा कर दिया, ठीक, टेट्राहेड्रल उल्टा बना दिया, ऐसे कटोरा ऊपर नीचे ऐसे पूंछ लटकी हुई है इसकी, ठीक है। तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। देखो ये जो मैं डायग्राम्स फिगर्स बना रहा हूँ ये एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए है, किताबों में भी मुश्किल से मिलेगी ये चीज़ें। तो यहाँ पर चार चार पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे इसकी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? माइनस फोर। क्यों? क्योंकि इस पर माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सोचा गया कंसेप्ट, और फिर इसको होल नंबर में कन्वर्ट करके लिखना शुरू कर दिया गया। क्यों करा जाता है? सिर्फ ये देखने के लिए कि किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। वो आगे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, बेहतरीन बेहतरीन। तो हमने ये समझ लिया कि H2SO4 में आ गई प्लस सिक्स, कैसे आई? स्ट्रक्चर बनाया और इसको देख लिया, CO2 का स्ट्रक्चर बनाया देख लिया, CH4 का स्ट्रक्चर बनाया देख लिया। अब क्या कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट है मेरी क्लास में जो ये H2SO8 का स्ट्रक्चर बना सके? क्या आप लोगों को यह स्ट्रक्चर आता है, हाँ या ना, हमें जवाब दीजिएगा। एक चीज पत्थर की लकीर है, पूछो क्या, कि सल्फर इसके अंदर सेंट्रल एटम का बिहेवियर ला सकता है, जैसे H2SO4 में लाया था, ठीक है सर ला, लेकिन दो दो सल्फर हैं, दो दो सल्फर हैं, ठीक। सल्फर जो है, सल्फर कौन कौन सी वैलेंसी शो कर सकता है? टू फोर और सिक्स। सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दीजिए। जैसे H2S है,
H2S क्या है, जैसे H2O होता है लगभग वैसा ही समझ लो, H2S बस पानी नहीं है, ये गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड, बदबूदार गैस, गंदी सी गैस चढ़ी हुई। तो H2S इसकी वैलेंसी यहाँ पर दो होगी, यहाँ पर इसकी वैलेंसी सल्फर की दो होगी। लेकिन अगर SO2 है मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नहीं बन जाता है, लगभग वैसा बना हुआ है, ठीक, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे जो कि बॉन्ड बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी चार है। अच्छा, सिक्स वैलेंसी कहाँ थी, सिक्स वैलेंसी थी SO3 में, मतलब सल्फर ट्राईऑक्साइड में। कैसे, ये स्ट्रक्चर था SO3 थी, और जो सल्फेट आयन होता है SO4-, अभी तो देखा था उसमें भी वैलेंसी क्या होती है, प्लस सिक्स, और H2SO4 में भी क्या वैलेंसी होती है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सिक्स। यहाँ तक कहानी बहुत आसान चल रही थी, जिंदगी में खुशियाँ खुशियाँ थीं, फिर आ गया H2S2OA। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले एक चीज़ पे ध्यान देना कि ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो चांस है कि पर ऑक्साइड लिंकेज हो सकता है। जैसे जैसे H2O, तुम कहाँ से आ गए, जैसे H2O, हाँ हाँ ठीक है, H2O और H2O2, अच्छा ये क्या है, पर ऑक्साइड लिंकेज है ये ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का, और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये परऑक्साइड लिंकेज, ये जो परऑक्साइड लिंकेज है, यही परऑक्साइड लिंकेज हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा H2S2O8 में। आओ देखें, एक सल्फर बनाओ, फिर सल्फर के ऊपर तीन गुना ऑक्सीजन लगा दो, फिर एक और सल्फर बनाओ उस पर तीन ऑक्सीजन लगा दो, ठीक, फिर इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ओके। तो ये तो सर SO3 बना, और फिर H SO3 और H, मतलब दो ऑक्सीजन बाकी हैं, तो वो दो ऑक्सीजन आके यहाँ पे बनाती हैं परऑक्साइड लिंकेज, और ऐसे बनता है H2S2O8, ठीक। अब मुझे ये बताओ कोई काबिल बच्चा कि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों सल्फर का निकालना पड़ेगा, तो चलो इस सल्फर का निकालते हैं, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, हाँ जी प्लस सिक्स, प्लस प्लस प्लस। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे कभी कोई मास्टर जी तो कहना सर प्लस में या माइनस में, किस में बतानी है, तो प्लस में बतानी है क्योंकि प्लस है। यहाँ पर कितनी होगी, दोनों सल्फर की, अरे नहीं दोनों सल्फर की अपनी अपनी प्लस सिक्स होगी, ठीक है, जोर से बोलो, प्लस सिक्स होगी, ठीक है। तो ये आएगा हमारा आंसर, ये देखो तीर कमान उड़ता हुआ है, देखो देखो तीर आ गया, ठीक। तो H2S2O8, इसमें सल्फर की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली प्लस सिक्स, हमने सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगाया, हम कॉन्सेप्ट के अंदर घुसे, देखा, बाहर निकल के आ गए खुश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसकी बताओ, इस तितली की बताओ, ये Cr2O5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, पेंटा, चलो बताओ इसकी, इतना बेहतरीन क्वेश्चन कराया है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन कराया है, कुछ तो दिमाग लगाओ, इतना अरे अनन्वय आ गए, अनन्वय बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी Cr5। आते ही आते हैं, मैंने पहली बॉल पे छक्का मार दिया है क्लास होती तुम्हारे तालियां बजवा देते। Cr5, ठीक है, तो चार ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड होगा तो प्लस फोर होगी, यही कह रहे हो अनन्वय, अनन्वय अरे हाँ ये तो रह गया था, हाँ हाँ हाँ, तो क्रोमियम इज गोइंग टू शो समथिंग लाइक तितली तितली, यहां बनेगी बटरफ्लाई, ठीक, एक नहीं बल्कि दो दो परऑक्साइड लिंकेजेस, एक यहां परऑक्साइड लिंकेज और एक यहां पे परऑक्साइड लिंकेज। क्या करेंगे, यहां से प्लस वन की ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप होगी, यहां से प्लस वन की डेवलप होगी, यहां से प्लस वन की और यहां से प्लस वन की, अभी तो सर चार ऑक्सीजन कवर हुए और पांचवा यहां डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, ठीक, तो प्लस वन और प्लस वन और, तो टोटल आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट छ प्लस छ, सर आप बहुत गंवार हैं सर, ठीक है, प्लस सिक्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Cr5 की। अनन्वय तुम मत बताना प्लीज, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें इसकी बहुत अच्छे से पता होगी, HCN की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ और H
HNC की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या है ये HNC? वो हाइड्रोजन साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, ठीक है। पूछी किसकी जा रही है? कार्बन की। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट? तो क्या होनी चाहिए? कोई और बच्चा? प्लस टू। चलो अपने अपने हाथ खड़े करो जितने लोग प्लस टू बोल रहे हैं। हाथ खड़े करो, कहाँ से हाथ खड़े करो? कैमरे तो बंद करके बैठे हुए तुम सब लोग। पहले बनाओ छोटा मोटा सा स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन कार्बन बनाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां पर बनेंगे कोवेलेंट बॉन्ड HCN, ठीक। अगर KCN होता तो आयनिक बॉन्ड बनते, ठीक है। अब HCN में क्या होगा कि इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं कार्बन की तरफ, यहां पर डेवलप हो सकती है -1। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं कार्बन से दूर, यहां से बन सकती है +3, ठीक है। तो टोटल जो इसका निष्कर्ष निकल के आएगा वो क्या आएगा? +3 और -1, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी HCN की, और HNC की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 ही होगी, ठीक है, +2 होगी। हाँ जी, क्या हाँ, तो वो ये थोड़ी है कि घर में दो लड़के पैसा कमाने गए थे, सैलरी लागू ऐड कर देंगे दोनों की सैलरी मिला के, हमारे घर में इतनी इनकम आती है। ना ना ना, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है यार, सल्फर की औकात पूछी है, +6 है उसकी औकात, वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना ऑक्सीडाइज हो रखा है, हर एक सल्फर इंडिविजुअली ऑक्सीडाइज हो रखा है। कहाँ पे कर दिए? कहाँ पे कर दिए भाई? एच सी और एन तीनों अलग अलग हैं। एच सी और एन, भाई एक बात बताओ, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि मीथेन में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो क्या बताओगे? फोर, एक इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में हो रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्टिंग होगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक, +1 होगी इसकी हमेशा, +1 हमेशा। अरे यही तो +1 होती है, जब टीचर आता है क्लास के अंदर कहता है सुनिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो पहले लिखिए x माइनस जितने भी हाइड्रोजन है, 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। अब ये जो +4 आता है ये होती है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, हैं गलत कर दिया, अच्छा x प्लस माइनस आ गया, ठीक है। ये जो आती है ये होती है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाइड्रोजन की +4 हो जाएगी। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई, उस आइटम की बात करेंगे जिस आइटम के ऊपर बॉन्ड्स बन रहे हैं, उस आइटम की बात करेंगे जिस आइटम की निकाली जा रही है, दोनों को थोक में मिला के नहीं निकालेंगे। और मान लो तुम्हारी बात भी हमने रख ली, हमने तुम्हारी बात मान ली। सल्फर कितने हैं? कितने सल्फर हैं H2S2O8 में? कितने सल्फर हैं? दो सल्फर हैं। तो दो सल्फर की मिला के कितनी हो रही है? +12। तो सल्फर की कितनी हो जाएगी? +12/2 +6। अब तो खुश हो? चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऑन कंबशन CH4 नेचुरल गैस में आग लगा दी और बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, वातावरण के लिए हानिकारक, फोटोसिंथेसिस मस्त चल रहा है, ठीक है। तो CH4 से अगर CO2 बन रही है, CH4 से अगर CO2 बन रही है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और कहाँ जाएगा हाइड्रोजन, गैस की फॉर्म में बन गया बाहर निकल जाएगा। CH4 से अगर CO2 बन रही है तो कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आ रहा है, मतलब पहले कितना ऑक्सीडेशन नंबर था और बाद में कितना होगा, सिंपल सी बात है। तो पहले कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? अरे CH4, अरे गलत बता दिए थे हम भैया, पीछे माफी मांग चुके हैं तुम लोगों से, हाथ जोड़ के पैर पड़ के, ठीक है। ये लो
अब क्या मार डालोगे सर को, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना अपनी तरफ, पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा ना, तो माइनस फोर। और CO2 में अरे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना ऑक्सीजन की तरफ, तो प्लस। ये डायग्राम मत बनाना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, एरो वाला डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाओगे, ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, वरना इसमें बहुत सारे ऐसे लॉजिक हैं कि अगर हम ग्यारहवें का बच्चा ऐसा डायग्राम बनाए तो हम काट के फेंक दें उसका डायग्राम, ठीक। तो माइनस फोर और प्लस फोर, माइनस फोर और प्लस फोर, कितना चेंज आ रहा है कार्बन की, आठ, ठीक है। देखो तीर भी आया आठ के ऊपर, देखो ऐसे आया तीर। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज नॉट इन्वॉल्व्स, क्या अंग्रेजी लिखी है, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, काम की बातें आते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन डज नॉट इन्वॉल्व, इसमें क्या चीज नहीं होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही तो डेफिनेशन सिखाई जाती है ऑक्सीडेशन की, तो इन्वॉल्व करेगा ना, ठीक है। एडिशन ऑफ अ नॉन मेटल, इसको छोड़ देते हैं बाद में आते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन होता ही है, उसमें दिमाग खर्च करना था थोड़ा, इसलिए थोड़ा हट के नीचे आ गए। नन ऑफ दिस, अरे तुम तो साइडी में हटो, फिर बीच वाले पे आते हैं। तो ये दो जो स्टेटमेंट है ये तो ऑक्सीडेशन के ही है। अच्छा ये जो बी वाला स्टेटमेंट है, क्या ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, क्या है ये, क्या ये कैसे कह सकते हो कि ये ऑक्सीडेशन है, क्या लॉजिक लगाते हो, कैसे तुम्हें याद रहता है या तुमने रट्टा मार रखा है? क्यों कहते हैं, ठीक है कहते हैं, कहते होंगे, क्यों कहते हैं, वाय, हाउ, तो समझ लिया, हाँ ये हुई ना बात। देखो मेटल कौन, मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन दे दे, सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सोडियम पॉजिटिव बना लेता है, Na प्लस बना लेता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है सर, ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसी को भी दे देता है, ऑक्सीजन को, सल्फर को, किसी को भी दे देता है, ClCl किसी को भी दे देता है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे क्लोरीन गैस पास कराई, थोड़ा सा गर्म कर दिया सोडियम को, नमक बनना शुरू हो गया, चट 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 नमक बन गया सर, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पर Cl माइनस है और Na पॉजिटिव है, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज आ रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। कर कौन रहा है ये रिडक्शन, मिस्टर सोडियम, मिस्टर सोडियम इज डूइंग दिस रिडक्शन, तो मिस्टर सोडियम कौन से एजेंट हुए, रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बस यहां से लॉजिक लगा लो और दिमाग में बैठा लो कि मेटल कहीं चिपक रहा है जाके, तो मेटल जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिडक्शन कर रहा है, तो मेटल कहीं जा रहा है तो रिडक्शन कर रहा है, और मेटल कहीं से निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। तो रिमूविंग ऑफ मेटल जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, तो रिमूविंग ऑफ मेटल भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जस्ट इसका विपरीत होता है नॉन मेटल के केस में, जस्ट इसका उल्टा होता है नॉन मेटल के केस में, ठीक। तो तीनों ही ऑक्सीडेशन हो गए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ परऑक्साइड इनटू H2O एंड O2 इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स। अच्छा इस रिएक्शन को जिसमें एक ही आपका कंपाउंड है जो दो विपरीत भागों में टूट रहा है, मतलब एक तरफ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एक तरफ रिडक्शन हो रहा है, तो तुम इसको क्या बोलोगे? अरे उसके अलावा भी एक बहुत प्यारा वर्ड होता है, क्या होता है अनन्वय बताओ? अरे नहीं उससे भी प्यारा वर्ड है यार, बहुत प्यारा वर्ड है, हाँ वही तुम भूल गए थे, हमें खुद नहीं याद आ रहा था उस टाइम पे जिस टाइम पे वो टाइप कर रहे थे, हमने जब क्वेश्चन उन्हें बोला था वो टाइप कर रहे थे, तो हमने कहा यार इसका एक और नाम होता है, पूछें क्लास बच्चों से, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है।
तो ये एग्जांपल है दोनों का, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक। अच्छा ये किस चीज़ का एग्जांपल है जो भी अभी हमने दिया थोड़ी देर पहले, कि सोडियम रखा था, क्लोरीन आई, चट चट नमक बन गया, किसका एग्जांपल है? सिंथेसिस, या फिर सिंथेसिस तो यहाँ पर दिया नहीं है ऑप्शन में, फिर कंबाइन कर रहे हैं ना, सिंथेसाइज कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर FeCl3 बनाना है तो कैसे बनाते हैं? फेरिक क्लोराइड FeCl3, FeCl, अरे नहीं, FeCl3 घर पे बनाना है, कैसे बनाएंगे? सुनो, घर पे नहीं बनाना है, मतलब पढ़ाई में बनाना है। FeCl3 में ये करते हैं कि आयरन को छोटे 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 टुकड़े आयरन के, छोटे छोटे ग्रेन्स, छोटे छोटे और छोटे पीस और छोटे छोटे पीस आयरन के यहाँ पे डाल देते हैं, आयरन बोले तो Fe, लगा देते हैं यहाँ से बर्नर, मतलब बहुत भयंकर आग, फिर क्लोरीन गैस पास कराई जाती है, ये सब अंदर हो रहा है क्लोज चैम्बर में, क्लोरीन गैस पास कराई जाती है और ये क्लोरीन गैस पास करती है और यहाँ पर कुछ ऐसे से धुआं सा उठता है और यहाँ कहीं जाके उसको कलेक्ट कर लिया जाता है किसी एक वेसल वगैरह में, तो जो कलेक्टिंग कलेक्शन के बाद हमें मिलता है वो मिलता है FeCl3। तो क्या करते हैं रिएक्शन में कि आयरन को डायरेक्टली क्लोरीन के साथ कंबाइन किया जाता है, आयरन को डायरेक्टली क्लोरीन के साथ कंबाइन किया जाता है तो सीधे सीधे बनता है FeCl3, ठीक। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और इसको भी आप सिंथेसिस बोल सकते हो या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत आउटडेटेड हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, FeCl3 का क्वेश्चन अच्छा है, पूछने लायक है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस विल रिड्यूस, ये तो सबको आता होगा, तुम्हारे पूरे क्लास को आता होगा, बताओ। दो बच्चों ने जवाब दिया है क्यूप्रिक ऑक्साइड, और कोई, और कोई बच्चा कोई बेहतरीन जवाब देना चाहता हो? और कुछ नहीं, बाकी लोग भी अपना माइक वाइक खोल लें, बोल लें भाई क्यूप्रिक ऑक्साइड तो ठीक है। अच्छा क्यूप्रिक ऑक्साइड ही क्यों अनन्वय पंथ, क्यों नहीं एल्युमिनियम ऑक्साइड, या क्यों नहीं फेरिक ऑक्साइड, या ये टिन वाला ऑक्साइड, क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये बंद करो। अमन सिंह, तुम्हारे खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया जाएगा, एक घंटा मिलता है उसमें भी तुम लोग लिंक आगे पीछे शेयर करके क्लास बर्बाद करने पे तुल जाते हो, ठीक है। तो अपनी जिंदगी बर्बाद करो, अच्छे से बर्बाद करो अपनी जिंदगी। एक काम करो, पापा से कहना पापा 10,000 रुपये दो, मैं माचिस की तीली से आग लगानी है, क्योंकि कर वही रहे हो तो ठीक है। और जिसको बुरा लग रहा है ना, वो समझ जाए कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बोझ है अपने परिवार पे और कुछ नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस विल रिड्यूस, क्या रिड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस हर उस चीज़ को रिड्यूस करेगा जो हाइड्रोजन से नीचे आती है, किसमें? रिएक्टिविटी सीरीज में। और रिएक्टिविटी सीरीज हमने जब याद करी थी, ऊपर एक बहुत लंबी सी सीरीज थी जिसमें सोडियम था, पोटेशियम था, फिर कैल्शियम, फिर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, आयरन वगैरह, उसको याद करने की ट्रिक्स मैं ऑलरेडी 2-3 क्लासेस में बता चुका हूँ। अगर किसी को जाननी है तो फिर से पूछ लो, नहीं तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक। तो ये जो आपके मेटल हैं इनको रिड्यूस कर सकता है, सॉरी इनको क्या कर सकता है, इनसे ऑक्सीजन खींच लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन सबसे, ठीक। तो कॉपर ऑक्साइड जो है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा आयरन वगैरह के जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, आयरन ऑक्साइड भी ऊपर होता है, ये भी ऊपर होता है, एल्युमिनियम भी ऊपर होता है। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम, आयरन और ये तीनों जो हैं, टिन वगैरह, ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से, तो इनको नहीं हटा पाएगा। और हम जो हैं, हाँ तुम्हारा पतन कर देंगे, रिपोर्ट करो इनको, ठीक है। देखो ऐसा है, अगर यही बदतमीजियां करनी हैं, ठीक है, और ये पता होगा क्लास में, क्लास में पता ज़रूर होता है, अरे हमें अपने टाइम पे सब पता रहता था क्लास में, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस टीचर के बारे में क्या बात चल रही है। तो जो ये कर रहा है ना, उसकी जानकारी हमें दे दो प्लीज़, अगर किसी को भी जानकारी है कि ये कौन बदतमीजी कर रहा है, हमें दे दो जानकारी,
उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है। तो इनके सल्फाइड सॉरी इनके ऑक्साइड वगैरह जो होंगे इनको तो हाइड्रोजन रिड्यूस कर देगा क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, पर हाइड्रोजन इन सबसे कम रिएक्टिव है तो इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक। तो यही एक लॉजिक था, इसलिए क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक मतलब CuO, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 की होगी। अगर जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है, कितना पुराना क्वेश्चन पूछते हो सर, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का रंग थोड़ा सा फेड हो जाता है, Cu++ और कॉपर सल्फेट में माइनस माइनस, इसकी वजह से रंग आता है ब्लूश कलर, ठीक। अब ब्लूश कलर हो जाता है फेड। अब क्यों हो जाता है फेड, क्योंकि जिंक जो हमने डाला था वो जिंक जो है वो अपने आयंस बना लेता है Zn++, कैसे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और कॉपर यही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बन जाता है कॉपर सॉलिड। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और जो मेटल एक्टिविटी सीरीज चलती है उसमें जिंक ऊपर आता है, फिर कहीं जाके हाइड्रोजन आता है, और फिर बाद में कॉपर आता है, ठीक है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो यही आंसर होना चाहिए। तो बताओ बच्चों क्या आंसर होना चाहिए, ए ऑप्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में H2S Br2 ब्रोमीन है, ब्राउन ब्राउन कलर का H2S, बहुत ही बदबूदार गैस। इन दोनों को एक्वस में मिलाया, एक्वस मीडियम में रखा, इनको मिलाया जुलाया और उसके बाद बन गया HBr जो कि है एक एसिड, और सल्फर अलग हो गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, इन चार में से क्या ऑप्शन आपको लगता है, क्या ब्रोमीन ऑक्सीडाइज कर रहा है H2S को, क्या ब्रोमीन रिड्यूस कर रहा है H2S को, क्या H2S इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर आप अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे, लाइफलाइन गूगल, हाँ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, बोथ बी एंड सी। चलो पहले रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन हो क्या रही है। Br का हो रहा है रिडक्शन, Br का हो रहा है रिडक्शन, ठीक। तो H2S क्या हो जाएगा, H2S हो जाएगा एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर C में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है सर, कैसे कैसे तुक्का मार दिए। और दूसरा देखते हैं, ठीक, ब्रोमीन देखते हैं। ब्रोमीन जो है वो H2S का क्या कर रहा है, सल्फर का हो रहा है क्या ऑक्सीडेशन, सल्फर का ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है, ये भाई साहब कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है, खुद का रिडक्शन करके सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देता है। तो इधर से भी लॉजिक हुई, इधर से भी लॉजिक हुई, इसका मतलब Br2 ब्रोमीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि क्लोरीन और ब्रोमीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो पता ही होगा। अब H2S क्या ये H2S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया और ये ऑप्शन सही हो गया, तो आंसर हो गया ए वाला। समझ में आया सबको या नहीं आया, बताओ बच्चों आया कि नहीं आया। सर सस्ता सस्ता सा क्वेश्चन था सर, महंगा लाओ थोड़ा। चलो आओ महंगा क्वेश्चन करते हैं। ब्लैक कोटिंग फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द सिल्वर आर्टिकल्स, चांदी के बर्तनों के ऊपर जमी हुई ब्लैक कोटिंग आखिर क्यों होती है, चांदी के पुराने हैं, सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट कैसे भैया, सिल्वर सल्फाइड एंड दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन सिल्वर सल्फाइड, ठीक। कौन आ रहा है यार ये, एक सेकंड जरा इनके ऊपर कंप्लेंट डालें, जरा इनको देखा जाएगा। ऑनलाइन में बाकी सब ठीक है, बस ये गेम अच्छा नहीं लगता है कि जो लोग बदतमीजी करते हैं आके, वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लास का माहौल ख़राब कर देती है। ठीक है, बाकी देखेगी टेक्निकल टीम, हम आते हैं वापस अपने काम पे। ये जो H2S है ना, H2S इसके साथ सिल्वर रिएक्ट कर जाता है, जो एटमॉस्फेयर में H2S है उसके साथ सिल्वर रिएक्ट कर जाता है और बन जाता है सिल्वर का सल्फाइड Ag2S। Ag के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है इसलिए 2 Ag होंगे, ठीक, और सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज इसलिए Ag सल्फाइड Ag2S, ठीक, सिल्वर सल्फाइड।
अच्छा इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, अच्छा बैलेंस क्या करना है, बैलेंस तो हो ही रखी है, किसी ना किसी एक ऑप्शन ने बैलेंस हो रखी होगी, तो बता सकते हो बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा? एक्स एन एच थ्री वाई सी यू ओ रिएक्शन हुई, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद सी यू निकला ए और एन टू निकला बी और सी निकला एच टू, आपको बताना है एक्स कॉमा वाई कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, फर्स्ट है फोर्थ है कौन सा है? तीर आ चुका है, आंसर दिख चुका है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हो देखना, मतलब कहाँ से लॉजिक लगाते हो, क्या होना चाहिए, कहाँ से बैठा दो लॉजिक, ऐसे रैंडम रख रख के देख लें या कोई और जुगाड़ भी है, एनी अदर जुगाड़? हाँ। कुछ नहीं है, ये मैथ पढ़ते हैं, मैथ मैथमेटिकल एबिलिटी मेंटल एबिलिटी, बस वही है मेंटल एबिलिटी है, रख रख के नंबर का मिक्स मैच करा के देखना होता है। सबसे आखिरी में प्रायोरिटी दिया करो ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को, ठीक है, उससे पहले मेटल को देखा करो, फिर नॉन मेटल को देखा करो, फिर बचे हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाते, नहीं होते तो फिर वापस से स्टार्ट किया करो, ठीक है, कभी बैलेंसिंग पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे, पहले मेटल नॉन मेटल को देखा जाएगा, ठीक है, उसके बाद अपने आप हो सकता है बैलेंस हो ही जाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नहीं होते हैं तो दोबारा से स्टार्ट किया जाता है फिर, ठीक है। अच्छा ये अमोनियम क्लोराइड ये एक साल्ट है और सॉल्ट बनता है बेस से और एसिड से, स्ट्रांग एसिड, और नाम बताइए उस एसिड का, स्ट्रांग एसिड वीक बेस, वीक बेस का नाम बताइए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग एसिड वीक बेस, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, अरे तुम अपनी बहन से बोलना ये बातें, ठीक है, ठीक है बच्चे, अपनी बहन से बोलना है सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज, ठीक, वो तुम्हारे डाउट सारे क्लियर कर देगी, बोलोगे अपनी बहन से, अपनी मम्मी से जरूर बोलना अगर हो तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में, क्योंकि परवरिश तुम्हारी लग नहीं रही है ऐसी। चलो आगे बढ़ते हैं, इथेनोइक एसिड इज हीटेड विथ एन ए एच सी ओ थ्री, इथेनोइक एसिड इज हीटेड विथ एन ए एच सी ओ थ्री, इसमें मैंने ये आंसर जो डाले हैं पहले ही डाल दिए हैं, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, पर हमें फोकस रखना है सिर्फ एक चीज़ के ऊपर कि अगर कोई एसिड है, ठीक है, इथेनोइक एसिड था, उसे सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाओगे तो जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो सिमिलर आएंगे, ठीक, इसमें भी सोडियम इथेनोइट, इसमें भी सोडियम इथेनोइट, वाटर एंड सी ओ टू, वाटर एंड सी ओ टू, मतलब सेम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक, बाकी बैलेंसिंग वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर लेना, बैलेंसिंग का ही बस फर्क है, बाकी प्रोडक्ट्स सेम आ रहे हैं, रिएक्टेंट्स सेम आ रहे हैं, वो रिएक्टेंट्स अलग अलग हैं, रिएक्टेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम हैं, ठीक, इथेनोइट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर जाएगी। क्या होता है कि सी ओ टू जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर होता है वो टू होता है, ठीक, जैसे सी ओ टू है तो बॉन्ड ऑर्डर टू है, डबल बॉन्ड है, ठीक, डबल बॉन्ड है, लेकिन कार्बोनेट आयन जो है उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो सी ओ माइनस और ओ माइनस, ठीक, जिस किसी ने भी बाहर लिंक शेयर किया है, ठीक है, आईपी एड्रेस से तो पता चल ही जाएगा, टाइम लगता है, भेज देंगे टेक्निकल में, जिस किसी ने भी शेयर किया है, अगर किसी को अंदाज़ा है तो उसको एक इनाम दिया जाएगा नाम बताने वाले का, ठीक है, कोई अपने रियल नाम से आके ये हरकत नहीं करेगा, इतना तो सब समझते हैं, ठीक, तो जो भी कर रहा है सोच समझ के कर रहा है, जो जिस आईडी से लॉगिन कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ वही कर रहा हूँ, ठीक है। इथेनोइक एसिड इज हीटेड विद NaHCO3 हो या फिर Na2CO3 हो, कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम इथेनोइट, ठीक, अगर एसिड को बेस के साथ मिलाओगे, इथेनोइक एसिड को अगर बेस के साथ मिलाओगे तो एसिड और बेस क्या चीजें देते हैं, एसिड और बेस देते हैं
बरसों पुरानी डेफिनेशन है कि एसिड और बेस देते हैं सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट क्या है? सोडियम इथेनॉएट। और वाटर क्या है? वाटर भी कुछ होता है क्या? वाटर H2O, वाटर है H2O। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी गैस निकलेगी, होता क्या है। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर पे था, कहाँ चला गया इन सब चीज़ों के चक्कर में। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बहुत कम होता है, मतलब 2 तो नहीं दिख रहा ना, मतलब एक ऑक्सीजन भले ही दो बॉन्ड के साथ जुड़ा है, बाकी दो ऑक्सीजन तो सिंगल सिंगल के साथ जुड़े हैं ना। तो इससे बेटर कंडीशन तो ये होगी कि ये ऑक्सीजन इधर से निकल जाए और दो बॉन्ड बन जाए, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और हमेशा हर वो रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक होती है वो होना चाहती है, वो स्पॉन्टेनियस होना चाहती है। मतलब CO2 जो है वो कार्बोनेट आयन को छोड़ के, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो कार्बोनेट आयन को छोड़ के CO2 बनाने के लिए तड़प रही है, बस इन्हें थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए, हल्की सी एनर्जी मिल जाए, बस निकलने का मौका मिले इन्हें, इन्हें इधर निकलने का मौका मिला, इधर CO2 बन के निकल गई। ठीक है, ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, अरे ये सबको आता होगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी। अरे तेल को हीट किया जा रहा है, हाइड्रोजन गैस पास कराई जा रही है, कैटलिस्ट के तौर पे मेटल्स लिए गए हैं जैसे निकिल, प्लैटिनम या पैलेडियम, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और कब ऐड होता है? जब कोई अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड बन जाता है तो हाइड्रोजन ऐड होकर बनता है। मतलब अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड जिसमें और हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता। ठीक, ऑयल से घी बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी तो यही होता है, द सेम प्रोसेस गोज ऑन। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स खत्म होते जा रहे हैं, एक दो रह गए। तो ये जो हैं सेचुरेटेड हैं और ये अनसेचुरेटेड हैं। ठीक, अब ये मत कहना सर एक डबल बॉन्ड तो यहाँ भी फंस गया, अरे इधर वाला तो हो गया ना भाई, इतना पार्ट तो हो गया सेचुरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इस रिएक्शन का बहुत प्यारा सा नाम एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, सिनेबार इज एन ओर ऑफ, ये तो पता ही होगा, पढ़ाया था ना क्लास में, सिनेबार इज अ टॉक्सिक मर्करी सल्फाइड मिनरल। किस कलर का होता है देखने में? किस कलर का होता है देखने में? सिल्वर, वो सॉरी मरकरी का ये HGS। अच्छा, मरकरी का ऑक्साइड किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो कुछ मिलता जुलता कलर होगा, कुछ मिलता जुलता कलर होगा। ठीक है, थोड़ा हल्का होगा लेकिन कुछ मिलता जुलता कलर होगा। ठीक है, द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस, क्या हो रहा है? कॉपर सल्फाइड का ओर लिया, फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाया, फिर उसके बाद कॉपर का ऑक्साइड बन गया और गैस निकल गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो यहाँ पर हमने मेटलर्जी में यह देखा था कि कभी भी कोई भी हमें अगर ओर मिलता था तो पहले हम उस ओर का ऑक्साइड बना लेते हैं, क्योंकि एक बार ऑक्साइड बन गया फिर क्या है, फिर हम उसका रिडक्शन करा देंगे, और ये इनका रिडक्शन तो हाइड्रोजन भी कर देगा, ये तो बहुत नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, कोयला भी कर देगा, कॉपर ऑक्साइड भी कर देगा, सब कर देंगे इसका रिडक्शन CU2O का। तो इसका जब ऑक्साइड बना रहे हैं तो वो ऑक्साइड बनाने का क्या तरीका है? दो तरीके, या तो रोस्टिंग या तो कैल्सिनेशन। ये इंडस्ट्रियल टर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं, रोस्टिंग कैल्सिनेशन। ठीक है, रोस्टिंग में क्या करते हैं? एयर की प्रेजेंस में जला देते हैं, और कैल्सिनेशन में एयर की प्रेजेंस में जलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसे ऐसे ही जलाओगे तो उसमें से ऑक्साइड ही बन जाएगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको बंद करोगे CO2 उड़ जाएगी, उसमें CaO ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये रोस्टिंग या कैल्सिनेशन बताइए? अरे रोस्टिंग भैया, रोस्ट कर रहे हैं, वो सोया चाप नहीं जो पिछले चल रही थी मेटल एक्टिविटी सीरीज में, उसको रोस्ट किया जाता है, तो हवा में आग लगाई जाती है ना, तो रोस्टिंग मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब वो सड़क पे खड़े होते नहीं है लोग रोस्ट कर रहे होते हैं, तो रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इन चारों में से
चारों में से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है? कौन सा आयनिक कंपाउंड? टू एंड थ्री ऑप्शन बी. ओके ओके. कैसे पता किया? कैसे? ये तो बहुत अच्छा जवाब था, बहुत अच्छा जवाब था. ठीक है, ये डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. उसके अलावा एक लॉजिक ये भी कहता है कि जो आपके अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये जो मेटल्स हैं, ये जब नॉन मेटल के साथ जुड़ते हैं तो ये आयनिक ज़्यादातर. फिर मेरा एक वर्ड आने वाला है, ज़्यादातर, जनरली. केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है जनरली बहुत आता है. क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जैसे हम क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम वेलोसिटी पढ़ते हैं, तो वेलोसिटी पढ़ते हैं, फिर एंगुलर आ जाती है. केमिस्ट्री में एक टॉपिक नहीं पढ़ते हो आप बेसिकली लाखों करोड़ों कंपाउंड्स की आपने सेग्रीगेशन कर रखे हैं कि इस टाइप का कंपाउंड होगा, इस टाइप, उसकी स्टडी करने जाते हो. और जुगाड़ क्या लगाते हो? जुगाड़ लगाते हो पीरियोडिक टेबल से, ट्रेंड्स देखते हो. पर भैया पीरियोडिक टेबल भी तो हम इंसानों ने बनाई है, हो सकता है अभी पीरियोडिक टेबल परफेक्शन ना पाए हो उतना. ठीक है, हो सकता है पीरियोडिक टेबल इतनी आसान ना हो. हो सकता है कि पीरियोडिक टेबल 2D में बन ही ना पाए, 3D से बने. या फिर हो सकता है कि पीरियोडिक टेबल 4D में बने. ये सर क्या बातें कर रहे हो आप? इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को आसान आसान कॉन्सेप्ट बना के समझने की कोशिश की जाती है. पर वो जो आसान आसान कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की जाती है समझने की, कहीं कहीं पर वो कॉन्सेप्ट फंस जाते हैं, कहीं कहीं वो पेज फंस जाता है. ठीक, कहीं कहीं पर क्वांटम फिजिक्स आके उसकी हेल्प कर देती है. लेकिन फिर भी अभी साइंस इतनी इन्वॉल्व नहीं हुई है कि हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे में उसके कॉन्सेप्ट बन पाए. इसलिए एक वर्ड यूज़ होता है एक्सेप्शन, लेकिन उस एक्सेप्शन का दूसरा वर्ड होता है एक्सप्लेनेशन. ठीक है, क्या वर्ड होता है? एक्सप्लेनेशन. एक होमवर्क है आपका कि बेरिलियम के आयनिक कंपाउंड मुझे आप पता करके बताइएगा. ठीक, बी ई सिंबल है बेरिलियम, इसके आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये मेटल तो है, बे मक्का सर बड़ा या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम के आप मुझे आयनिक कंपाउंड बताइएगा. जनरली जो मेटल और नॉन मेटल के, जनरली जो मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत डिफरेंस होता है, पहली बात. दूसरी बात कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बहुत आसानी से, और वो गेन कर लेते हैं. तो इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल और उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डिसाइड कर देती हैं कि जो कंपाउंड बनेगा वो मेटल, सॉरी, जो स्ट्रक्चर. और हाँ, तीसरी, एक सेकेंड, तीन चीज़ें डिसाइड करती हैं. जैसे सोडियम जो है यही बता देता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है. सोडियम जो है वो क्या कर रहा है? Na पॉजिटिव बना रहा है. अगर Na पॉजिटिव बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन हमें सोडियम से खींचना पड़ेगा. अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल. तो यहाँ पर कुछ आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा. ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? अगर कम है आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ज़्यादा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा. ठीक, तो कम होना चाहिए. अच्छा, Cl है तो Cl ऐसे थोड़ी पाया जाता है कि जाओ क्लोरीन खरीद लाओ ना. तुम जाओगे तो तुम्हें क्लोरीन गैस मिलेगी, और क्लोरीन गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो Cl2 होता है. क्लोरीन गैस का जो मॉलिक्यूल होता है Cl2, सबसे पहले तुम्हें ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. ठीक, तो सबसे पहले तुम्हारी कुछ एनर्जी खर्च होने वाली है जिसका नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तब ये जाके दो आइटम अलग अलग टूटेंगे क्लोरीन के. ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का. ठीक, अब दो सोडियम ने अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज करे थे और सोडियम पॉजिटिव बनाया था, तो ये क्लोरीन क्या करेगा? ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और दो Cl निगेटिव बना लेगा. ठीक, अब दो सोडियम और एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल, ये मिलके क्या बनाने वाले हैं? एंड में तो NaCl बनने वाला है, सबको पता है, सबको पता है कि कौन आने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पता चल गया, एक एनर्जी खर्च हुई हमारी जेब से खर्च हुई, एक और हमारी जेब से खर्च हुई आयोनाइजेशन पोटेंशियल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. यहाँ एनर्जी खर्च हो रही है तो यहाँ का डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव. यहाँ की एनर्जी खर्च हो रही है, डेल्टा एच मतलब एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है, और यहाँ पर एनर्जी बाहर निकल रही है. अब डेल्टा एच से डरना मत, ठीक है, अगर पहली बार सुना है तो. डेल्टा एच निगेटिव मतलब यहाँ पर
एनर्जी बाहर निकल रही। अरे एक बना लिया पॉजिटिव नेगेटिव कि हम एनर्जी लगाएंगे, हम मेहनत करेंगे, हम थकेंगे, पॉजिटिव हमें एनर्जी मिल रही है, नेगेटिव ठीक। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ तक कहानी समझ में आई। तो यहाँ पर क्या ये एनर्जी अगर ज़्यादा है डेल्टा एच नेगेटिव, और ये दोनों की मिला के वैल्यू अगर कम है, इसकी वैल्यू मान लो वन, इसकी वैल्यू मान लो सेकेंड, और इसकी वैल्यू मान लो थर्ड, अगर थर्ड ज़्यादा है फर्स्ट के और सेकेंड के सम से, तो ये बताओ क्या चांसेस नहीं है कि सोडियम क्लोरीन दोनों अपनी प्रेजेंस में NaCl बन जाएंगे, एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन सो गए क्या सब? हेलो सो गए क्या सब? बन जाएगा, पर कहानी यहां तक डिसाइड नहीं होती है। जब भी कभी कोई आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो कोवेलेंट नहीं होता। अच्छा ये क्या बता दिया आपने, बहुत बड़ी बात बता दी। क्या सुनो, कोवेलेंट वाले जो बॉन्ड हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स, जैसे CH4 के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, H2 के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। लेकिन आयनिक कंपाउंड में कोई मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल नहीं होता है, इसमें एक लैटिस होता है, इसमें एक जाल बिछा हुआ होता है बहुत बड़ा 3D में। उसमें किसी एक कोने पे अगर सोडियम रखा है तो उसके आसपास 6 Na, 6 Cl आ जाएंगे, फिर Cl, फिर J। तो ये कौन से बॉन्ड बना रहे हैं? आयनिक बॉन्ड। तो इस लैटिस बनने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है, और जब जब स्टेबिलिटी आती है संसार में तब तब एनर्जी कम होती है। तो क्योंकि NaCl बनने के लैटिस बनने की वजह से जो लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है, लैटिस लैटिस लैटिस, कब? आयनिक कंपाउंड, मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल में तो नहीं बन रहा था, अभी नहीं बन रहा है, 11वीं में बनने लगेगा ठीक। तो लैटिस एनर्जी जो है वो भी रिलीज होती है, उसको हमने नहीं लिखा था। तो ये लैटिस एनर्जी और जो एनर्जी निकली क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये दोनों एनर्जी अगर ज़्यादा हैं इस एनर्जी के, किसके? बॉन्ड डिसोसिएशन और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, एक बार स्टार्ट करने पे आगे चल देती है, और एक बार चल देती है तो पूरा NaCl बन जाता है ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड जब बनते हैं तो उसमें कटाइंस अनायंस जो हैं वो एक लैटिस बनाते हैं, और उस लैटिस की वजह से लैटिस एनर्जी निकलती है, और उस लैटिस एनर्जी की वजह निकलने से वजह से स्टेबिलिटी आती है। और इन सब भवंडरों की वजह से हम यह कहते हैं कि जो मेटल है और नॉन मेटल है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ठीक है। हाँ लिखा नहीं है, पूछा था, कोई बोल ही नहीं रहा था उस समय, कहाँ थे आप? अरे हम कह रहे थे क्या 3 > 2 और 1 हो जाएगा, अरे वहाँ तक कॉन्सेप्ट आधा था। कॉन्सेप्ट पूरा तब होता है जब लैटिस एनर्जी आ जाती है, और ये लैटिस तब बनता है जब आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट में नहीं बन पाता लैटिस, बस यही तो लैटिस एनर्जी खेल आता है। हाँ पॉजिटिव और निगेटिव जो है वो हमने एक तरीका बना लिया है चीज़ों को देखने का। आप उसका मॉड ले लो, उसका क्या ले लो? मॉड ले लो अब ठीक है। अरे कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी लगाई तो पॉजिटिव, एनर्जी निकल रही है तो नेगेटिव। अरे एनर्जी खुद उसकी इतनी निकलती है, खुद उसकी इतनी निकलती है कि लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तभी तो पूरी क्वेश्चन का जो डेल्टा एच होता है वो निगेटिव हो जाता है, और पूरी क्वेश्चन स्पॉन्टेनियस होती है और चलने लगती है। ऐसे नहीं आएगा जब तक थर्मो नहीं पढ़ोगे 11वीं में, थर्मो पढ़ा देंगे तुम्हें ढंग से आ जाएगा ठीक है। सॉलिड CO2 इज स्टोर्ड अंडर, लो एक तो CO2 गैस पकड़ के परेशान हो गए थे, अब ये सॉलिड। देखो कोई भी चीज़ है वो मेल्ट भी होती है, कोई भी गैस है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। कोई भी चीज़ सॉलिड बन सकती है, दो तरीके हैं सॉलिड बनाने के। पहला तरीका टेम्परेचर कम कर दो, सॉलिड बनना शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका प्रेशर इतना बढ़ा दो, वॉल्यूम उसकी छोटी होती चली जाए ठीक है। तो कौन सी सॉलिड CO2 जो है वो कौन सी कंडीशन बनेगा? लो प्रेशर में। लो प्रेशर में तो पूरी CO2 उड़ गई, उसे तुमने खुला छोड़ दिया। सॉलिड में क्या करते जा रहे हो? CO2 की वॉल्यूम को छोटा करते चले जा रहे हो। तो वहां पे जाके हाई प्रेशर में तुम्हें मिलेगा सॉलिड CO2 ठीक है। इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर जो है उसको, ये कैन ही नहीं होता, कैन बी होता है, पता नहीं क्या कह लेता। अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल कैन बी सेपरेटेड बाई, कैसे सेपरेट कर सकते हैं बताइए, एनीवन?
शराब और पानी के मिक्सचर को हमें अलग अलग करना है, दोबारा से बेचनी है निकाल के। कैसे करेंगे? इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से अलग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत अच्छे से घुल जाता है इथेनॉल वाटर में, और वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद स्ट्रक्चर बनता है उसमें बहुत सारा गैप होता है। एक वाटर के मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन गैप है, उस गैप में इथेनॉल अपनी जगह बना लेता है, इसलिए बड़ी आसानी से घुल जाता है। अब घुल तो गया, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100, और इसका कितना है? 70-75 होगा, 74 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड की बात चल रही है, डिग्री सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या है कि पहले अगर इसे हीट करेंगे, अरे हल्का होता है इथेनॉल, हल्का होता है तो क्या पहले हीट करेंगे, हल्का उड़ जाएगा। क्यों? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। उड़ गया, उड़ के ऐसे थोड़ी फेंक दिया हमने, उड़ के एक पाइप में गया, वहाँ जाके ठंडा कर लिया, ठंडा करके फिर से जमा कर लिया, इथेनॉल अलग हो गया और वाटर वहीं का वहीं रह गया। हाँ, उसके बाद बनेगा कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जहाँ पे ये चीज़ नहीं काम करेगी। लेकिन जनरली इन जनरल इंडस्ट्रियल लेवल पे सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी काम चल जाता है, ठीक। हम काफ़ी ज़्यादा देखो, वाटर इतना महंगा नहीं है, इथेनॉल महंगा है, इथेनॉल निकल जाता है बहुत सारा। ये है बहुत बेहतरीन सा फोटोग्राफ जिसमें 74.4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बताया रखा है टेम्परेचर, ठीक है। और ये कब हो रहा है? ये हो रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप डिस्टिलेशन करते हो तो कैसे करते हो? कोई पानी गर्म करो, उसकी भाप बनी, ऊपर ढक्कन पे आगे जमा हो गया, डिस्टिल्ड वाटर कलेक्ट हो गया, डिस्टिलेशन हो गया। फ्रैक्शनल मतलब तोड़ तोड़ के डिस्टिलेशन हो रहा है, जैसे इथेनॉल जा रहा है, जमा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, वाटर ऐसा नहीं कर पा रहा है, ठीक। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट बताओ भाई। सी सी कितने लोग कह रहे हैं? सी 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 अच्छा, बी भी नहीं होगा। अच्छा, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम एक मेटल है, अपने तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक देगा थोड़ी सी एनर्जी लगाने पे, Al3 पॉजिटिव बनेगा। ये जो Al3 पॉजिटिव है इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2 का, ठीक। सल्फेट पे चार्ज होता है -2 का। तो दो अगर एल्यूमिनियम होंगे तो उन पे कितना चार्ज होगा? +6 का। और तीन अगर सल्फेट होंगे, एक लैटिस बनेगा, इसका भी एक बहुत बड़ा लैटिस बनेगा, वो बहुत इधर उधर कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो अब चार्ज बराबर है ना, मतलब दो एल्यूमिनियम और तीन सल्फेट से चार्ज बराबर है, तो आंसर हो जाएगा Al2O3। चाहो तो इसको वो बताते हैं स्कूल में एक बार, ये क्रिस करो, ये क्रॉस करो, और हो गया Al2SO4। Al2O3 भी सेम बनाता है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज आता है, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तुम गए दुकानदार से, कहा भैया केमिस्ट वाले भैया हमको दे दो, आप ऑक्सीजन गैस एक्सपेरिमेंट करना है 16 ग्राम ले आए 16 ग्राम। अब तुम्हें एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो बताओ कितने होंगे? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल पूछ रहा हूं मैं। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? O2। क्या होता है? O2। यही तो है ऑक्सीजन गैस। अरे ये इसका बॉन्डलेस स्ट्रक्चर है, ये इसका वो डॉट वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो सा स्ट्रक्चर बना लो O2 होता है। O2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे होंगे? ऑक्सीजन गैस बना रहे, और बना क्या रहे? O2 के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? सर इसका मास होगा 16, इसका भी मास होगा 16, 32 है इसका मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब ये है कि अगर तुम 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस लाते तो हम ये कहते हैं कि तुम एक मोल ऑक्सीजन गैस लाए हो। कहते या नहीं कहते? और एक मोल का मतलब 6.023 × 10⁻²³। सही लिखा है गलत लिखा है? नहीं पता,
ठीक है, तो हम कितने गैस लाए हैं, हम लाए हैं 16 ग्राम। सो 16 ग्राम गैस में मॉलिक्यूल भी कितने हो जाएंगे, आधे। ठीक, आधे किस में हो रहे हैं, इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स अटोमिक थ्योरी। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वचन सत्य नहीं है डेल्टन के द्वारा बताया हुआ, बताओ। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, यही तो बताते थे डेल्टन, और बताते क्या थे, तो ये तो सही है। एटम ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल द रिस्पेक्ट। ना भैया, ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत है। यही तो डेल्टन ने बताया था कि अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग एटम्स होते हैं। ठीक, अच्छा, एटम्स के बारे में तो डेल्टन ने बताया, डेल्टन ने मॉलिक्यूल के बारे में भी कुछ बताया था क्या? मॉलिक्यूल जो वर्ड है, उस वर्ड के बारे में डेल्टन ने कुछ बताया था, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? बोलो। डेल्टन का ये मानना था कि हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं, जो भी उसका सबसे बेसिक और सबसे छोटा पार्टिकल होगा, आयरन में आयरन के एटम्स होते हैं। मतलब वो एटम एटम ही बोलते रहते थे, मॉलिक्यूल वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करते थे। ठीक है, मतलब वो ये कहते थे कि नाइट्रोजन के छोटे छोटे एटम्स होंगे, उसने मिलकर नाइट्रोजन गैस बनाई हुई है, हाइड्रोजन के छोटे छोटे एटम्स हैं, उसने मिलकर हाइड्रोजन की गैस बनाई हुई है। ठीक, अब अगर अमोनिया बनाना है तो अमोनिया बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाना पड़ता है। अगर 3 लीटर हाइड्रोजन लिया और 1 लीटर नाइट्रोजन लिया, ठीक, और हम ये मान लें कि हमें ये फॉर्मूला नहीं आता, H2N2, 3 लीटर हाइड्रोजन लिया मतलब 3 लीटर में हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे, और 1 लीटर नाइट्रोजन लिया मतलब 1 लीटर में नाइट्रोजन के एटम होंगे। अब गैसेस की डेफिनेशन क्या है कि गैसेस जो हैं सेम जगह घेरती हैं अगर सेम नंबर है, मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे गैसेस के वो सेम है, ये एवोगाड्रो का लॉ है। ठीक, तो इसका मतलब अगर 3 लीटर हाइड्रोजन है और 1 लीटर नाइट्रोजन है और इसमें इनके एटम्स हैं, अगर हम ये मान लें दिमाग में कि इनके एटम्स हैं, तो जो अमोनिया बनेगी, जो नई गैस बनेगी, उसमें दोनों के एटम्स होंगे, तो वो 4 लीटर होनी चाहिए, लेकिन वो होती थी 2 लीटर। यहाँ से कहानी बिगड़ जाती है और लोग सोचना शुरू कर देते हैं, और वहाँ से जन्म होता है एक थ्योरी का कि भैया एटम अलग चीज़ है और मॉलिक्यूल अलग चीज़ है। नाइट्रोजन गैस में होते हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, जिसको N2 बोलते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, और अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 1 नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। ठीक, तो ये है पूरी स्टोरी। आओगे 11वीं में, आने ही वाले हो, ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में चलने वाली हैं। कौन सा मेटल है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बहुत ढंग से पढ़ाया था क्लास में हमने, जो बच्चा क्लास में था क्या वो बता सकता है, प्लीज बताइए प्लीज। एल्यूमिनियम जो है उसे ना तुम कार्बन से रिड्यूस कर सकते हो, ना कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन तो कर ही नहीं सकते, हम समझ नहीं पा रहे थे कि एल्यूमिनियम को कैसे निकालें। ठीक, तो एल्युमिनियम का करा जाता है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो कैथोड के पास जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एल्युमिनियम, और मस्त एल्युमिनियम का मेटल बन जाएगा। अच्छा, जिंक है या आयरन है, इनका क्या तरीका है, जिंक और आयरन, ZnFe? ठीक है, पहले जिंक सेल का जो भी हमें वो मिला है, क्या बोलते हैं, जो भी ओर मिला है उसका ऑक्साइड बना लो, एक बार ऑक्साइड बन गया फिर उसको रिड्यूस कर लो। ठीक, जिंक के केस में कोक का इस्तेमाल किया जाता है रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये स्मेल्टर में करते हैं, स्मेल्टिंग बोल सकते हैं इसको। आयरन का भी सेम है, कोक का इस्तेमाल किया जाता है आयरन में भी। ठीक है, नीचे से पिक आयरन मिलता है। कॉपर का थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉपर का आप लोग पढ़ेंगे, बेसमराइजेशन इसका नाम होता है, आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है NTSC में इस पर बेसमराइजेशन पे सवाल आ जाए, कॉपर का कैसे हम करते हैं एक्सट्रैक्शन, सिलेबस में पार्ट नहीं था 10वीं में, इसलिए अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपका ये क्लास समाप्त होता है, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, क्या हम जा सकते हैं, बताओ बच्चों। थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू।